नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। ये आज का टेस्ट सीरीज 9 है। इससे पहले ऑलरेडी 8 सेट चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर चैनल पर जाइए और सभी वीडियो को देखिए। उसे मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है। ये सभी वीडियो आपके BPSC प्री की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 66वीं BPSC प्री को ध्यान में रखते हुए ये सेट को तैयार किया गया है। ये आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप BPSC, JPSC, BSSC, SI, NTPC और STNO आदि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेट आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमेशा की तरह इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। और हमारा जो मॉक टेस्ट 8 था उसमें जो टॉप 5 रैंकर थे वो इस प्रकार से हैं: प्रदीप सोनी, राखी कुमारी, राकेश कुमार, शक्ति कुमार, सोनाली सिंह, प्रिया चंदन, गौतम उपाध्याय। इन सभी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए मॉक टेस्ट 8 में अपना टॉप 5 रैंकर में अपना स्थान को कायम किया है। ये हमारे सभी पेड मेंबर हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां पे हमसे जुड़ के जो हमारे पेड मेंबर हैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी बना सकते हैं। तो ये हमारे 5 ऐसे टॉप रैंकर थे जिसका नाम आज के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे प्रश्न को शुरू से देखेंगे। और मैंने आपको बताया कि प्रत्येक प्रश्न की प्रकृति जो होगी वो होगी 5 ऑप्शन के साथ, जिस प्रकार BPSC प्रारंभिक परीक्षा में होती है। और आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि टाइमर जो था उसको हटा दीजिए या कम कर दीजिए, तो मैंने 10 सेकंड से घटा के अब 5 सेकंड कर दिया गया। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। ये मॉक टेस्ट 9 है और इसका फुल मार्क्स रखा गया है 50 और इसमें पासिंग मार्क्स रखा गया 35। ये 35 से अगर आप कम लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा और अगर आप 35 से अधिक लाते हैं तो आपको पास माना जाएगा। अगर आप 40 से अधिक प्रश्नों को सही से हल करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और इसका PDF को प्राप्त कीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इस बीच आप अपना प्रश्न को सॉल्व करते हुए आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खैबर दर्रा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा, शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। ये गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आप लोग कई बार पूछते हैं कि सर प्रश्न की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाइए, मतलब कि अच्छे लेवल का प्रश्न कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, जो ईजी होते हैं और जो कठिन होते हैं सभी को मिक्स करके डाला जाता है। तो इसलिए आपको देखने में अच्छा लगता है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप शुरू में 10 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आप कमेंट कर देते हैं कि सर प्रश्न आसान है, सारा प्रश्न आसान है, तो ऐसा नहीं है। सभी प्रश्नों को मिक्स करके डाला गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा, भारत का नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न ही आपसे BPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किसे भेजा था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे भेजा था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघमित्रा। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। चलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है, यहाँ पे नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो 5वें का सही आंसर होगा, नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये सिकंदर का समकालीन था, आप इसे ध्यान रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। घनानंद किसके समकालीन, सिकंदर किसके समकालीन था, तो घनानंद के समकालीन था। नंद वंश पर घनानंद का शासन था, उसी वक्त सिकंदर भारत पर आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था या फिर कहां हुआ था, ये काफी इजी प्रश्न था। इसका आंसर होगा कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए चार मठों को किसने स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए चार मठों को किसने स्थापित किया था। इस प्रश्न का आंसर होगा शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाली। मिलिंद पन्हो पाली भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाली। चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नवा नंबर प्रश्न, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, आंसर होगा राणा कुंभा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट होगा। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, ये जी प्रश्न है, आई थिंक सबको इसका आंसर पता होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। तो दोस्तों ये फॉर्मेट जो वीडियो को बनाने का ये तरीका है, ये आपको कैसा लग रहा है, किसी प्रकार के सुझाव या किसी प्रकार की शिकायत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपको अच्छा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है, ये ज़रूर बताइएगा कि इससे पिछले वाला अच्छा था या पिछले से पिछले वाला अच्छा था, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था। अकबर के समय में भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, टोडरमल। अकबर के समय में भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध टोडरमल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे। 12वां नंबर प्रश्न, शिवाजी के गुरु कौन थे। इस प्रश्न का आंसर होगा गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु थे रामदास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 12वें का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु, तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। तो आंसर होगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी, तो ये बक्सर का युद्ध होगा इसका आंसर। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे बात आई है पलासी युद्ध का और उसके बाद बक्सर युद्ध। तो पलासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ये अंग्रेजों ने युद्ध कौशल से नहीं जीता था, बल्कि यह अंग्रेजों का षड्यंत्र था। पलासी का युद्ध एक प्रकार का सौदा था, जिसमें कि मीर जाफर और बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। और उसके बाद बात करते हैं बक्सर का युद्ध के बारे में। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें एक तरफ तीन सैन्य संगठन थे, जिसमें कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और उसके बाद मीर कासिम, ये तीनों थे। और इसके विपरीत में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध
अंग्रेजों के पक्ष में रही। अंग्रेजों ने इसे इसे जीता और यह भारत की सम्मिलित सेना पर अंग्रेजी श्रेष्ठता का प्रतीक था। इस प्रकार बक्सर और जो प्लासी का युद्ध था, ये दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है बक्सर और प्लासी के युद्ध से। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के रहने वाले थे, ये आरा जिला में पड़ता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 17 का सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है, 30 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो ये दांडी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कई बार मैंने अपने वीडियो में इस प्रश्न को बताया है, इसका आंसर क्या होगा बताइए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि कर्मनाशा नदी को अभिशाप का नदी कहा जाता है। और आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? तो कोसी नदी ही एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक बार पथ परिवर्तन करती है। पूरे भारत में कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक बार अपना रास्ता बदले है, तो इस वजह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंचा पर्वत है बिहार का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारसनाथ। बताइए ये किस जिले में पड़ता है? किसी को अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ किस जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंगेर में। अफीम की खेती अधिकतर मुंगेर में की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 22 नंबर प्रश्न है, दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो 22 नंबर प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। दामोदर नदी घाटी योजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। और बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि गंडक नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, झरिया किस खनिज के उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, झरिया किस खनिज के उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो झरिया जो है वो कोयला उत्पादन से संबंधित है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयला। अगला प्रश्न है, बोकारो पावर हाउस झारखंड के किस जिले में बनाया गया है? बोकारो पावर हाउस झारखंड के किस जिले में बनाया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हजारीबाग। बोकारो पावर हाउस झारखंड के हजारीबाग जिले में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है?
आंसर होगा कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? ये प्रश्न काफी इजी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा मेघालय में। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय में होती है, और अगर बिहार की बात करें तो किशनगंज में सर्वाधिक बारिश होती है। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, मेघालय के मौसिनराम में सर्वाधिक बारिश होती है पूरे विश्व में, और बिहार की बात करें तो किशनगंज में होती है। सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक ठंड बिहार के गया में होता है, बिहार के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बिहार में सर्वाधिक ठंड गया में होता है और सबसे गर्म स्थान वो भी गया ही है, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? आंसर होगा लेह। भारत में सबसे अधिक ठंड लेह में पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सबसे अधिक ठंड लेह में पड़ती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए, कितना प्रतिशत भूभाग पर? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33%। 33% भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में जंगल होने चाहिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33%। अगला प्रश्न है, गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? उस डेयरी का नाम बताना है, कौन सी डेयरी पूरे विश्व में विख्यात है जो गुजरात से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमूल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या हो गया? तो अगला प्रश्न है, भारत का धान उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का धान उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। थर्टी वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। धान का उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा, इस प्रकार आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं प्रेम तमांग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रमाण सबसे कम है? किस राज्य में सबसे कम साक्षरता है? तैतीस नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, और बिहार के जिलों की अगर बात करें तो पूर्णिया जिला में सबसे कम साक्षरता है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, और पुरुष साक्षरता में पूर्णिया जिला में न्यूनतम साक्षरता है। बिहार का सबसे साक्षर जिला है रोहतास जिला, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 90%। भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से लगभग 90% होता है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 90%। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है?
संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो 35 नंबर का सही आंसर होगा राष्ट्रपति का। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग का गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1950 में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर एक नए आयोग का गठन किया, नीति आयोग। और नीति आयोग से कई बार बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग में भी इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, नीति आयोग से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है भारतीय राष्ट्रपति को? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा महाभियोग लगने पर। महाभियोग लगने पर भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 39 नंबर का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अध्यक्ष। लोकसभा में निर्णायक मत अध्यक्ष देता है, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? क्या होना चाहिए इसका आंसर? भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ये दोनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में योजना बनाने की नीति किसने अपनाई थी? योजना बनाने की नीति किसने अपनाई थी? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। योजना बनाने की नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना में पूंजी उत्पाद अनुपात कैसा है? भारत की पंचवर्षीय योजना में पूंजी उत्पाद अनुपात कैसा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 43 नंबर प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना में पूंजी उत्पाद अनुपात कैसा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत कम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ये अनुपात बहुत कम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किस क्षेत्र से होता है? राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान भारत में किस क्षेत्र से होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा क्षेत्र।
राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान सेवा क्षेत्र से होता है भारत में। अगला प्रश्न है लवबग क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, लवबग क्या है। फोर्टी फाइव नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक कंप्यूटर वायरस, लव बग एक कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र झारखंड राज्य की रचना का प्रस्ताव किसके द्वारा अपनाया गया था, स्वतंत्र झारखंड राज्य की रचना का प्रस्ताव किसके द्वारा अपनाया गया था। आंसर होगा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र झारखंड राज्य की रचना का प्रस्ताव बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा अपनाया गया था, और झारखंड का बंटवारा जो हुआ था बिहार से वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद से लेकर अभी वर्तमान बिहार की स्थिति वही है। जो झारखंड अलग हुआ उसके बाद जितनी बची है वो वर्तमान स्थिति है बिहार की, और जब झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को तो झारखंड जो पूरा सम्मिलित क्षेत्र था बिहार और झारखंड, उसमें से 46% भूमि को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है फिजी की राजधानी कहाँ है, फिजी की राजधानी कहाँ है। आंसर होगा सुवा, फिजी की राजधानी है सुवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, फिजी की राजधानी है सुवा। अगला प्रश्न है 2K का अर्थ क्या होता है, 2K का अर्थ क्या होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 2000, 2K का अर्थ हुआ सन 2000। अगर मुझे 2008 लिखना है तो लिखेंगे 2K8 तो हो जाएगा 2008, यानी कि 2K और 8 हो जाएगा 2008, तो 2K में 2K का जो अर्थ है वो होता है सन 2000। अगला प्रश्न है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षण पर प्रतिबंध कितने ओवर तक होता है, एक दिवसीय मैच में जो पावर प्ले होता है वो कितने ओवर तक होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो आपको ये प्रश्न आसान लग रहा होगा, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षण पर प्रतिबंध कितने ओवर तक होता है, तो ये यहाँ पे एक दिवसीय यानी कि वनडे की बात किया जा रहा है, तो आंसर होगा 15 ओवर, 15 ओवर तक पहला पावर प्ले होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम 15 ओवर तक। अगला प्रश्न है विश्वनाथन आनंद इनमें से किससे जुड़ा नाम है, विश्वनाथन आनंद इस नाम से सभी कोई परिचित हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, विश्वनाथन आनंद इनमें से किससे जुड़ा नाम है। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शतरंज से, विश्वनाथन आनंद शतरंज से जुड़ा हुआ नाम है, तो इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के ये सेट 9 में कुल 50 प्रश्न थे, यहाँ पे आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और मुझे किस प्रकार के प्रश्नों को सेट करना है इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूं। और आप इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे पेड ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, और वहाँ पर जितने भी मेम्बर हैं उन सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको जो टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ है वो एकदम अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर के साथ पीडीएफ दिया जाता है। तो तमाम जानकारियाँ पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाके हमसे ज़रूर जुड़िए। पेड ग्रुप के अंतर्गत हमारे चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो सभी का जो पीडीएफ होगा वो एकदम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।